वेलकम टू टेक्निकल सम्राट। आज हम कुछ नया सीखते हैं। सब दिन तो आप लोगों को जॉब अपडेट देते ही रहते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। जो भाइयों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है उनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं इस टॉपिक का बात करता हूँ, ये कौन सी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जियो का रिचार्ज आप करते हो, हालांकि मेरा आज जियो का एक्सपायर हो गया है रिचार्ज, कल ही हो गया था, तो आज मैं रिचार्ज कर रहा हूँ। तो रिचार्ज में कर रहा हूँ तो जियो रिचार्ज में 50 रुपये का डिस्काउंट करके, यानी 349 में 399 का रिचार्ज में 50 रुपये डिस्काउंट यानी करके कैसे रिचार्ज करेंगे, यानी कि 50 रुपये को कैशबैक यूज़ करके हम कैसे रिचार्ज करेंगे, वाउचर यूज करके 50 रुपये का जो वाउचर मिलता है ना हम लोगों को, तो उनका यूज करेंगे हम। तो आप लोग को बताते हैं कैसे यूज करना है। तो सिंपल सा आपको माई जियो ऐप ऑन करना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये जियो ऐप है। तो मैंने इस जियो ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेरा नंबर शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नंबर शो कर रहा है। तो इस पर सिंपल सा आपको यहाँ पे रिचार्ज वाला क्लिक के बटन पे क्लिक करना है। ये रिचार्ज वाला बटन पे क्लिक करना है, मैंने रिचार्ज वाला बटन पे क्लिक कर दिया है। तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा यानी कि मिल रहा है ऑप्शन मेरे को कि कौन सा रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1699, 399, 149, 349 जो भी है मिल रहा है। तो मैं इनको यहाँ सेलेक्ट करना है कौन सा रिचार्ज करने वाले हो। तो मैं ये वाला रिचार्ज करने वाला हूँ 399। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट कर दिया और इस बाय वाले बटन पे क्लिक करके बाय करना है। तो मैंने बाय कर दिया। तो आप इसमें देख सकते हो अप्लाई कैसे करना है मुझे, यानी कि 50 का वाउचर, तो उसको देखना है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। और मुझे ना यहाँ पे 399 भी पे करने बोल रहे हैं, तो इस अप्लाई करूँगा ना तो 349 का अप्लाई करने का बोलेगा। तो इस अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके हम अप्लाई कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अभी 29 वाउचर अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हो 29 वाउचर अवेलेबल है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद फिर इसको अप्लाई कर देना है आपको। मैंने अप्लाई कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे 349 शो कर रहा है, 349 शो कर रहा है। तो इसको मैं ना डेबिट कार्ड यानी माध्यम से मैं पे करूँगा, आप किसी भी थ्रू से कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे पेटीएम मिल जाएंगे, फ़ोनपे वैलेट मिल जाएंगे, बहुत सारा मिलेंगे, तो या भीम यू पी आई से किसी भी तरह से कर सकते हो। मैं तो फ़िलहाल अभी डेबिट कार्ड से करने जा रहा हूँ। यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड एटीएम का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है और एक्सपायरी डेट जो भी है मंथ डालोगे एक्सपायरी का, और ये डालोगे और CVV नंबर जो होता है वो डालोगे, और यहाँ पे नेम अपना डाल के यहाँ सबमिट कर दोगे। तो फिलहाल मैं ये सब करने वाला हूँ, तो वीडियो में थोड़ा सा पॉज करता हूँ क्योंकि ये कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो आपको मैं शो नहीं कर सकता। तो वीडियो में पॉज, जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड नंबर शो करूँगा थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने सब कुछ कर दिया फिल, तो मैं करता हूँ यहाँ से अप्लाई, यहाँ पे दबके मैं करता हूँ, दबा के अप पे, तो ये मेरे कार्ड नंबर गलत बता रहे हैं, मेरा ले रहा है प्रोसेस। देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, तो इस मैसेज को मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 0, 64 और 94। तो इस मैसेज को मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे अभी भी पेमेंट शो कर रहा है 349 का। तो मैंने 399 का रिचार्ज सेलेक्ट किया था, तो 50 रुपये मुझे वाउचर मिल चुके हैं। तो अब मैं कर देता हूँ मैक पेमेंट। तो आप देख सकते हो थोड़ा प्रोसेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यू आर रिसीव मेरे को हो चुका है, तो रेट करने के लिए बोले, मैं रेट नहीं करूँगा भैया। चलो यहाँ पे देख सकते हो मेरा रिचार्ज पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह आप रिचार्ज कर सकते हो। तो इस वीडियो में अगर ज़रा सी भी आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं फ्रेंड,
क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया हूँ। देख सकते हो मेरे को मैसेज भी आ चुका है। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक।